जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री मोदी जी को जय श्री राम। मोटे तौर पर आप विजुअल्स में देख सकते हैं, इस समय केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को जो इस रोड शो में शामिल होने के लिए पूर्वी दिल्ली यहां पर पहुंची है और पीछे भी अगर बात की जाए, जैसे यहां पर जो ये रथ इस समय चल रहा है तो रथ से पीछे भी जो है यहां पर बड़ी संख्या में लोग जो है मौजूद हैं जो इस पूर्वी दिल्ली में इस समय हम मौजूद हैं जगतपुरी में और आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहां पर पहुंच चुकी हैं रोड शो के लिए। और पूर्वी दिल्ली जिसमें अगर बात की जाए तो यहां पर आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है और कांग्रेस की तरफ से जो है उनको समर्थन मिला है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से जो है यहाँ पर हर्ष मल्होत्रा इस बार जो है चुनावी मैदान में है। इससे पहले गौतम गंभीर जो है वो यहाँ से सांसद रहे लेकिन अब जो है क्रिकेट के लिए वॉलंटरली उन्होंने जो है पॉलिटिक्स से एग्जिट लिया। और अब देख सकते हैं आप यहाँ पर हर्ष मल्होत्रा इस समय विजुअल्स में जो यहाँ से चुनावी मैदान में है और इनके समर्थन के लिए अब जो है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो है वो यहाँ पर रोड शो के लिए यहाँ पर पहुँची है। और देख सकते हैं हुजूम यहाँ पर जो है पब्लिक का आपको देखने को मिलेगा और बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। देख सकते हैं अभी आप सीधे तौर पर विजुअल्स में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो यहां पर रोड शो के लिए जो है पूर्वी दिल्ली में यहां पहुंची है और अपार जो है यहां पर हुजूम जो है पब्लिक का इतनी गर्मी के बावजूद आपको देखने को मिलेगा यहां पर। देख सकते हैं आप आगे भी जो है आपको लोग ही लोग यहाँ पर नजर आएंगे इस रोड शो में शामिल होने के लिए। देख सकते हैं आप सीधे तौर पर विजुअल्स में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस रोड शो में शामिल होने के लिए यहां पर पूर्वी दिल्ली से जो है हर्ष मल्होत्रा उनके साथ आपको नजर आएंगे और वहीं दूसरे एंड पर विजेंद्र गुप्ता लीडर ऑफ अपोजिशन रहे 2015 से 2020 तक दिल्ली विधानसभा में और अभी रोहिणी से विधायक हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। और यहाँ पर रोड शो की शुरुआत जो है वो यहाँ पर हो चुकी है। देख सकते हैं इस रोड शो में क्योंकि अब कुछ समय बाकी रह गया है प्रचार प्रसार का, उससे पहले ये आखिरी कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली में बीजेपी का जिसमें रोड शो के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। सीधे तौर पर आप विजुअल्स में देख सकते हैं इस समय केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को जो इस रोड शो में शामिल होने के लिए पूर्वी दिल्ली यहां पर पहुंची हैं। हर्ष मल्होत्रा उनके साथ हैं और विजेंद्र गुप्ता उनके साथ हैं इस समय इस रोड शो में और बड़ा हुजूम यहां पर आपको जनता का जो है वो नजर आएगा स्वागत करने के लिए। लोग भी यहाँ पर जो है मौजूद हैं और घरों की छतों से स्वागत करते हुए यहाँ पर इस रोड शो का देखिए अभिनंदन करते हुए यहाँ पर इस रोड शो में सब रोड शो में ये अगर बात की जाए आप देख सकते हैं यहाँ पर पैदल जो है लोग इस रोड शो का हिस्सा बनते हुए क्योंकि जानते हैं आखिरी समय इस समय जो है प्रचार प्रसार का चल रहा है रोड शो का। और पीछे भी अगर बात की जाए जैसे यहाँ पर जो ये रथ इस समय चल रहा है तो रथ से पीछे भी जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो है मौजूद हैं जो इस रोड शो में शामिल हैं, वहीं आगे भी लोग मौजूद हैं और ये एक शक्ति प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्वी दिल्ली में जगतपुरी इलाके में यहाँ पर ये रोड शो जो है निकाला गया। इससे पहले अगर बात की जाए तो कल करकटडूमा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी पहुँचे थे, अलग अलग वर्गों के साथ जो यहाँ पर समन्वय बीजेपी बिठाने का प्रयास कर रही है कि हर वर्ग से हर एक सेक्टर से वोट जो है वो यहाँ पर प्राप्त हो भारतीय जनता पार्टी को, इसीलिए यहाँ पर पूरा प्रयास जो है वो किया जा रहा है कि ये सीट जो है वो इस बार जीतने को मिले। और इससे पहले अगर बात की जाए म्यूनसिपैलिटी के चुनाव हुए थे, एमसीडी के चुनाव हुए थे जहाँ पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो है ज़्यादा सीटें जीती थी, लेकिन उसके बावजूद अगर पूर्वी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बीजेपी
को जो है यहाँ से सीटें मिली थी एमसीडी में। सबसे ज़्यादा बीजेपी इसी पूर्वी दिल्ली क्षेत्र से जो है वो प्लस में रही थी, तो इसीलिए एक ये भी कॉन्फिडेंस बीजेपी के पास होगा कि जहाँ पर एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई वहाँ पर हमने जो है इस पूर्वी दिल्ली में जो है वो शानदार प्रदर्शन किया था। और इस बार संगठनात्मक व्यक्ति जो संगठन में प्रदेश महामंत्री हर्ष मल्होत्रा, उनको इस बार यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा गया। इससे पहले अगर बात की जाए तो गौतम गंभीर जो है वो यहाँ से सांसद रहे, और क्योंकि क्रिकेट के लिए वॉलंटियरली उन्होंने जो है पॉलिटिक्स से एग्जिट लिया, अब हर्ष मल्होत्रा को जो है वो यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा गया। और अब आप पूरा माहौल यहाँ पर देख सकते हैं इस समय जगतपुरी इलाके। आसान नहीं रहेगा आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि दिल्ली में हमेशा से लोकसभा का समीकरण जो है वो अलग रहा है। बेशक विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने दो बार एक तरफा सरकार बनाई हो, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी को जो है हमेशा से क्लीन स्वीप जो है वो यहां पर देखने को मिला है। और मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री मोदी जी को जय श्री राम। लोग नाचते गिरते हुए इस पर भी केजरीवाल कह रहे हैं अगर हमारी सरकार बन गई तो मैं 5 जून को वापस बाहर आ जाऊंगा। देखिए पहले तो वो सरकार बन ही नहीं रही है, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, मगर जो व्यक्ति बाहर आने के लिए सरकार बनाना चाहता है ऐसा व्यक्ति समाज के लिए अच्छा नहीं है, पद से जितना जल्दी उतर जाए उतना अच्छा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर लगातार लोगों की प्रतिक्रिया भी हम ले रहे हैं, और आगे देखिए लोग यहाँ नाचते थिरकते हुए जो है आपको नजर आएंगे इस रोड शो में। और जनसैलाब समानो उमड़ गया हो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के इस रोड शो में, और इस रोड शो का हिस्सा जितने लोग हैं वही ऊपर भी आपको दिखेगा।